नहीं, हम तुम्हारे लिए एक जगह व्यवस्था करके आए हुए हैं। हाँ बताओ क्या कौन। अगर तुम करना चाहते हो तो बताओ, अगर तो एग्री हूँ भाई, सकते हो। हाँ। और वहाँ पे क्या लैट्रिन साफ करना है क्या? नहीं नहीं, लैट्रिन भाई आप हमसे जटियल से जटियल लैट्रिन साफ करवाइए। नहीं नहीं, वो कपड़ी जमा हुआ हो, कई परत उसमें लगे हो, नहीं नहीं ये और ढीला हो, टाइट हो, ये सूच बहुत गंदा है, वो लैट्रिन है, भुरभुरा वाला हो, साफ कर। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी देखिए बारिश का मौसम है, यह देख सकते हैं कि हल्की हल्की सी बरसात आ गई है और मौसम भी सुहाना है, बारिश भी आ रही है, उजाला भी है, सब कुछ अच्छा है। और इस मैं दो तीन दिन से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था, इसलिए क्योंकि लाइट मेरे गाँव मतलब पूरे प्रदेश में लाइट गुल थी। लाइट गुल होने के कारण, मतलब गुल इसलिए थी क्योंकि कर्मचारियों का हड़ताल था, जो भी संविदा कर्मी थे वो बोल रहे थे मुझे परमानेंट करिए, और उन लोग को अपना पीछे हटना पड़ा, तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था। तो अभी मैं आज से मैं ब्लॉगिंग फिर से स्टार्ट कर दिया हूँ। तो अभी मैं लल्ला के साथ बैठा हूँ, तो लल्ला देख सकते हैं किधर बैठा हुआ है। तो लल्ला कल जाना है स्कूल, कल जाना है तो चौधरी बनना साला, तो चौधरी बनना है, तो चौधरी है, तो चौधरी है बोल, तो चौधरी है, चौधरी है, चौधरी है तू, हाँ तो चौधरी है, तू चौधरी है। ये कह रहा हाँ अल्लाह चल। देखिए अभी इसको हटाएंगे लेकिन हटेगा नहीं, हटो ऐसा, हटो हटो तुम, हटो हटो हटो। देखिए फिर आ गया ये, देखिए फिर भी आ गया, इधर मेरे पैर काटने की कोशिश कर रहा। हट भाई तू, हट 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 लल्ला पाठक, हट। इसका नाम है लल्ला पाठक और एक हमारे जो उत्तराखंड के हैं, मैं उनका ब्लॉग देखता हूँ, उनका दिव्यांश पांडे ब्लॉग। उनका एक कुत्ता है जिसका नाम है चुलबुल पांडे, चुलबुल है, चुलबुल। थाना में भाई, थाना में बैठे हैं ड्यूटी, बजाए हैं पांडे जी सीटी, टी टी टी, आदत बड़ी नासी पीठी, बजाए हैं पांडे जी सीटी। तो फिलहाल अभी निकल चुके हैं बाहर और देख सकते हैं कि बारिश का मौसम सुहाना है, और मैं इधर गेट को खोल रहा हूँ भाई ओपन करने के बाद। मैंने जैकेट डाल लिया है, गर्मी वाला जैकेट, और चलते हैं अभी भाई, चलते हैं दुकान की तरफ अभी। तलबा बाहर आओ भाई, बाहर आओ, बाहर आओ भाई। तो भाई अभी दिलीप के घर आ चुके हैं, और दिलीप को मैंने बुलाया है दलपा दलपा करके, और चलते हैं सूरज के घर, देखते हैं क्या माहौल है। सूरज के जो है बाबा जी गुजर गए, काफी बूढ़े हो चुके थे, तो अभी दिलीप, दिलीप भाई क्या भाई इधर आओ। चले सूरज के घर टहलने के लिए। अब यार भैंस बाद में खिला लेना। अरे मैंने तुम्हारे कहा ले, ऐसा मत करो यार, भैंस बाद में खिला लेना। काम करते हाँ। ये एक कठरा गोबर काढ़ दिया, अरे एकदम फेंक देंगे भाई, क्या दिक्कत है, मतलब काढ़ो, एकदम काढ़ो, मैं फेंक दूँ। पक्का पक्का फेंकेंगे भाई, पक्का फेंकेंगे। चलो ऐसी बात कर दी है भाई, मैं वो सब तो मैं ढूंढता हूँ करने के लिए, लेकिन कोई पैसा नहीं दे रहा है काम करने के लिए। पैसा चाहिए, पैसा पैसा दो तभी ना। मड़ई दिखा रहे आपका, मड़ई छानी दिखा रहे भाई, गोबर काढ़ो। पहली बात तो गोबर ही नहीं है, तू झूठ बोल रहे भाई, भाई गोबर तो नहीं है भाई, गोबर निकालो उसका। दिलीप पाठक तुम्हारी भैंसिया बड़ी मारती है भाई, नहीं नहीं जाएंगे, मार देगी भाई, भाई नहीं भाई, हम नहीं जाएंगे, इसकी भैंसिया बहुत तेज मारती है, और जो मारती है ना तो सीधे लोग पीजीआई जाते हैं भाई। भाई तू गाली दे रहा है, मैं तेरे साथ नहीं चल रहा हूँ चाचा के पास। कान्हा अरे की हाल चाल, कान्हा अरे आज स्कूल गए थे कि नहीं? अबे यार तू गैस निकाल रहा है, तू गैस निकाल रहा है ना, तो भी भाई बड़ा अजीब, फिर से निकाल दे एक बार, नहीं निकलेगा। कह रहे कि वो गए थे स्कूल, क्या पढ़ाई हुआ था आज? अरे इसमें बताओ भाई क्या पढ़ाई हुआ था, इसमें बताओ ना, इसमें बताओ। इधर देखो ब्यूटी दिख रही है, वहां से चली गई अंदर। ब्यूटी आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, कहाँ सर मार, इधर आओ, इधर आओ, कहाँ सर मार रही हो, इधर आओ। कान्हा कान्हा सुनो, बताए
कह रहे हैं कि क्या पढ़ाई लिखाई हुआ आज स्कूल में बताओगे, क्या पढ़ाई हुआ आज भी कोई तुमको मारा है, आज भी तुमको मारा है, क्या ढूंढ रहे हो? लड्डू, लड्डू रखे थे क्या वहाँ पे? अच्छा ये लट्टू, लट्टू ये वाला कह रहा है कि पढ़ाई लिखाई क्या हुआ आज स्कूल में? बहुत बढ़िया हुआ। मैम उनको ही मारी है आज? नहीं। अच्छा मैम मारेंगे तो क्या करोगे मैम को? क्या करेंगे? उनको भी मारोगे? नहीं तो। नहीं बताओ इसमें नहीं मारेंगे। क्या करोगे? अच्छा गोबर, गोबर निकालो भाई, खेल देंगे गोबर। चलो गोबर निकालो भाई, तुम कह रहे हो ऐसी बात है, चलो गोबर निकालो, गोबर निकालो, तुम गोबर निकालो। गाय का कह रहा है कि भैंस, कह रहा है भैंस क्योंकि गोबर करेगी तो आप उसको फेंक दीजिए। अब बताए हिम्मत ही नहीं है, गोबर कहाँ गोबर है? साबुन लगा के निकाली है? ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग, साबुन लगा के निकाली, ऐसे भूलभद्र, ऐसी ऐसी उम्मीद नहीं थी भाई तुमसे, ऐसी उम्मीद नहीं, इससे ऐसी उम्मीद नहीं थी भाई, ऐसी उम्मीद नहीं थी तुमसे भाई। गोबर कहाँ पे है? और बताइए धीरज भाई, क्या हाथ मिला रहे अभी गोबर काटने की? अब हाथ मिला रहे हो तुम? अरे 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 यार पहली बार। क्या पहली बार? लाइफ में पहली बार तुमसे हाथ मिलाने जा रहे हैं यार। चलो भाई हाथ मिला लो भाई, क्या हाल चाल है? हाल चाल नहीं सही रहे, कोई काम नहीं दे रहा हमको। बैठो भाई बैठो, मैं कोई काम नहीं दे रहा है भाई, काम में व्यवस्था कर दिया हूँ, बैठो। काम नहीं दे रहा, पूछ रहे हैं काम करने के लिए, तो कह रहे हैं कि आपको काम नहीं देंगे हम। नहीं हम तुम्हारे लिए एक जगह व्यवस्था करके आए हुए हैं। हाँ बताओ क्या, अगर तुम करना चाहते हो तो बताओ, अगर तो एग्री हो भाई, एग्री हो तो तुम अपना ये ब्लॉग वगैरह सब कुछ बना सकते हो। हाँ। और वहाँ पे क्या लैट्रिन साफ करना है क्या? नहीं नहीं लैट्रिन भाई, आप हमसे जटियल से जटियल लैट्रिन साफ करवाइए। नहीं नहीं अभी मजा आएगा ना, भिड़ो माल की दे रहे, कपड़े जमा हुआ हो, कई परत उसमें लगे हो, नहीं नहीं ये और ढीला हो, टाइट हो, आपका ये पूछता है धीरज पाठक भाई, पूछता है धीरज पाठक, मैं ये कह रहा हूँ कि काम कुछ भी हो सकता है, मैं काम कर सकता हूँ इसके लिए। हाँ बताइए काम बताइए, नहीं काम बताइए, काम बताइए। आपको जो है कि मतलब उसके विषय में नॉलेज भी हो जाएगा। नहीं आगे दूसरों को, आप थोड़ा फास्ट बोलिए, क्या काम, काम को बताइए। काम यही है आपको? हाँ मैं एक दुकान से बात करके आया हूँ। हाँ ठीक। हाँ वो आप वहाँ पे जाएंगे जी, और भारत, न्यू भारत बीज भंडार का दुकान आप देख रहे हैं? जी जी देख रहे, मैदान में, मैदान में जी, अंजलिया मार्केट में, ठीक है। वहाँ पे आप जाइएगा, हमारा उनसे भैया से बात हुआ है, और आप जाइए और मतलब वहाँ पे डेमो भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। इंटरव्यू वगैरह लेंगे क्या? नहीं नहीं वो आपको बताएंगे कि दवा के विषय में, उसके बाद जब कस्टमर आएंगे तो उनको हैंडल करना आपको बस। पैसा कितना देंगे? अब पैसे की बात अभी मैं नहीं किया हूँ। हाँ। आप वहाँ पे जाइए पहले, उनसे बोल दीजिए कि जैसे कि वो काम करवाएंगे मुझसे 8 घंटा, मुझे 8 घंटा नहीं करना काम, मुझसे वो माल उतरवाए, माल रखवाए, करवाए, जो भी काम करवाना करवा ले, मेहनत वाला काम, जिससे मेरा टाइम बचे, उससे मैं वीडियो बनाऊ अपना डांस वाला, मुझे ये काम करना है भाई। ऐसा काम आप ढूंढिए, आपके दिमाग में, आपके दिमाग कोई ऐसा काम हो, पल्लेदारी पल्लोदारी नहीं कह रहा मैं, ऐसा काम हो आप बताइए। हाँ तो ऐसा अगर करना हो आपको तो आपको यहाँ से जैसे गांव में तो कर नहीं सकते हम, नहीं तो तमाम गाड़ियाँ आती हैं, सीमेंट लदी हुई आती हैं, खाद लदी हुई आती हैं, किसी गाड़ी पे लगवा देते आपको। देखो भाई सीमेंट वाली बात तो सही बोले तुमने, लेकिन सीमेंट में हमारा कपड़ा पूरा खराब हो जाएगा एकदम। अरे कपड़े की बात है छोड़ दो, उसमें और नाक में पूरा भर जाएगा, मैं ब्लॉगिंग क्या करूंगा, मैं अस्पताल में पहुंच जाऊंगा भाई। तो ये चीज सही है, तो अगर आपको करना है तो आप चलिए मैं आपको मिल में लगवा देता हूँ। मील में भी पूरा 9-12 घंटा काम लेंगे, हमका वीडियो, हमका वीडियो बनाएंगे भाई। अगर मान लीजिए पल्लेदारी करना है तो आप एकदम चलिए हमारे साथ गोरखपुर या तो गिरडा में चलिए आप। हाँ आप दोनों लोग, हम चल चलिए गाड़ी पे लगवा दूंगा, आप और हम दोनों चले काम करने के लिए। हम देखिए अब हम जाने वाले हैं, अब आज जाएंगे कि कल जाएंगे, हाँ। एक महीने बाद, 2 महीने बाद गोरखपुर मंडी में, जब तक भैंस नहीं बिक रही है तब तक घर पे ही रहना भाई। तो भैंस को बेचो, चले साथ में चलते हैं। अरे तो जब भैंसिया थलकी तबन बेचा, ओ भाई भोजपुरी महंगाई कहा थलकेगा, जब भैंस थन छोड़ देगी अपना दूध निकालने वाला, दूध निकालने वाला जैसे मटका दूध थे ना। हाँ। तो ये दूध निकालने वाला जब थन छोड़ देगी कोई व्यापारी तभी तो उसको लेगा ये बस। और जब तक वो थन नहीं छोड़ेगी तब तक कोई व्यापारी उसको लेगा नहीं, और लेगा भी तो अभी उतना। चलो ठीक है सब बात छोड़ दो, होगा जब होगा, चलो चलते हैं सूरज के घर देखते हैं, उनके पापा कल बुलाए थे। घर से मैं आया हूँ। कब आए हो?
अभी एक घंटे के पहले। अरे हम चलो हम भी चल चलते हैं, घंटे का घंटे से कम नहीं, हम भी चल चलते बुला रहे थे भाई। तो सुनो हम बता दे भाई, पहले बात को समझा करो यार, क्या है फिर से बोलो। एक भैंस है एक भैंसा है, दो लोग हैं। हाँ। अब उन दोनों लोगों को भैंस और भैंसे को खाने में जानते हो कितना मेहनत लगता है खिलाने में, कभी रखे हो? हाँ रखे थे। क्या रखे थे? बाड़ी गाय रखे थे, गाय थी ना, बाड़ी रही या छोटी रही भाई, गाय थी ना, भैंस नहीं। मैं कह रहा हूँ भैंस नहीं, आप जीव जंतु की बात की है, गाय थी मेरे पास। चलो ठीक है, चलो चलते हैं। ठीक है भाई, लल्ला जो है रात में आया हुआ है और यहाँ पे दादाजी पी रहे हैं दूध, दादाजी दूध पी रहे हैं। और देखिए लल्ला इधर आया हुआ है खाने के लिए। चल लल्ला क्या चाहिए, हाँ क्या चाहिए बताओ, मारेंगे अभी पराग से। बैठो 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 बैठो। वेला चल चल आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो। बाजी में बैटरी बंद के लिए डिस्चार्ज डिस्चार्ज चार्ज ना डिस्चार्ज ना चार्ज ना लगेगा डिस्चार्ज ना। लल्ला चल चलो लल्ला चलो चलो, तू देख सकते हैं लल्ला भूखा है, लल्ला देख सकते धर 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 धर। लल्ला इधर देखो, हो गया खत्म खत्म हो गया, अब नहीं है ना, अब है नहीं।